नमस्ते, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द ओम चैंटिंग। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते, वंदनम, स्वागतम। सो इट्स सच अ प्लेजर टू बी मीटिंग यू ऑल थ्रू दिस मीडियम एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट कॉसेस द स्ट्रेस एंड हाउ डू वी गेट ओवर दैट, कम आउट ऑफ दैट थ्रू द योगिक टेक्निक्स, थ्रू द पाथ अडॉप्टिंग टू द पाथ ऑफ योगा। सो विथ दोस फ्यू वर्ड्स, लेट मी thank the gurus, especially my guru Dr. Anand Balyogi Bhavnani sir, because of whom I am here, and thank you all for always supporting me and for always encouraging me. So om. So what is the current scenario? Hum abhi kaun se halaat mein hai, aap sab ko malum hai कि ये कोविड हमारे सिर के ऊपर एक बहुत भारी बोझ बन के बैठा हुआ है। तो वी आर ऑल स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज ऑफ दिस कोविड 19, द प्रेजेंट सिचुएशन, नॉट जस्ट हियर बट अक्रॉस द ग्लोब। एंड दिस इज सच एन इनविजिबल एनिमी, हम देख नहीं पा रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं, हम स्मेल नहीं कर पा रहे हैं, बट इट इज स्प्रेडिंग सो मच दैट you know, like that is why it is causing a lot of fear in us. jo hamare disturbance hota hai man mein, it is because of that, because you are fighting an enemy who is totally not at all visible. And what is the main fear here? Why is it that a few people are being subjected to this and a few are not really getting affected by this? And those who are affected, in those the severity is more in a few and it is not so much in a few. So what is all this difference about? The virus, it is the same. So itna farak kyun hai, individual mein itna farak kyun ho raha hai? Ek hi virus hai, same kaam kar raha hai sabhi ke andar. So the main factor that we have to think about is the immunity. हमारे बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म्स होता है, तो विच यू नो फाइट्स अगेंस्ट द एनिमीज, जैसे कि हमारे देश का आर्मी होता है, तो हमारे अंदर भी, हमारे बॉडी के अंदर भी डिफेंस फोर्स है. तो व्हाट इज दिस, दैट इज कॉल्ड एज द इम्यूनिटी. इट प्रोटेक्ट्स यू and it gives you resistance, builds up the resistance against all these invisible enemies hamare andar jo hai. So what is actually causing a problem in this immunity? It is mainly the stress, the fear, the negative emotions that we carry, and all these weakens the immune power, immune functioning in us. So what is the main factor that is bringing down the immunity? It is stress. So today we will be discussing a few things about stress. So what is stress? The word stress has been derived from the Latin word stringere, which means tightness, holding tight. So stress ka definition, काफी डेफिनेशंस है, बट मेनली योग के जो क्लोज है, दैट आई एम टेलिंग यू, आई एम जस्ट रीडिंग आउट द डेफिनेशन.
responds to a situation that a person perceives to be overwhelming, in that the person does not think he or she can meet the demands of the situation. तो एक साइड डिमांड है और एक साइड हमारे कोपिंग स्किल है. अगर ये दोनों ठीक है, बैलेंस में है, तो हम वो सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं. अगर द कोपिंग स्किल्स आर लेस, डिमांड्स आर मोर, तो हम स्ट्रेस हो जाते हैं. तो हम ये स्ट्रेस क्या होता है जो हम परसीव करते हैं. तो हमारे मन में, इफ यू थिंक दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम दैट आई कैन नॉट हैंडल, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, इफ यू थिंक दैट, इफ यू परसीव इट लाइक दैट, देन द स्ट्रेस विल नॉट बी अलिविएटेड. Whereas with a positive mindset, if we can approach the stress, modify, you know, like how to create a solution, how to bring in a new solution, how to look at this problem in a different perspective, ये सब पे depend होता है कि हम stress में से कैसे बाहर निकले. तो stress चार type के होते हैं. One is the present stress, categories में होते हैं. प्रेजेंट, अभी जो इस समय क्या हो रहा है, टुडे इस मॉर्निंग से क्या हो रहा है, बस पकड़ नहीं पा रहे, बस को मिस किया, ऐसे वाले स्लो थिंग्स जो बिल्डअप होता है हमारे मन के अंदर, हमारे शरीर में, वो जो स्ट्रेस कर लेता है, दैट इज द प्रेजेंट स्ट्रेस. एंड देन द क्रॉनिक स्ट्रेस विच इज ऑन गोइंग, जैसे कि हमारे ये COVID-19 है, अभी इट इज ऑन गोइंग फ्रॉम मार्च टिल नाउ, एंड हमारे एक्सपेक्टेशन ये है कि ये अभी कंटिन्यू होगा, एंडेमिक होगा. एंड रेसिड्यूअल स्ट्रेस फ्रॉम द पास्ट, जो पीछे पिछले इतने दिनों से, इतने सालों से हमारे साथ आ रहा है, हमारे साथ है, हमारे भीतर है, अंदर है, जो हम स्टोर कर रहे हैं अंदर हमारे मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, वो सब तो रेसिड्यूअल स्ट्रेस होता है. और एंटिसिपेटरी स्ट्रेस, एंटिसिपेट करते हैं, वो तो फ्यूचर का स्ट्रेस होता है. तो पास्ट में से जो कैरी कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में है, और फ्यूचर का क्या देख रहे हैं हम, कल क्या होगा इसमें से, तो उसमें एक स्ट्रेस हो जाता है. तो दैट इज दी अदर कैटेगरी ऑफ स्ट्रेस. एंड स्ट्रेस सभी तो हमारे लिए बुरा नहीं है. तो एक तरह का स्ट्रेस है जो अच्छा है, उसको क्या बोलते हैं, यू स्ट्रेस बोलते हैं. हो जब हम यू स्ट्रेस हो जाते हैं, इट हेल्प्स अस टू परफॉर्म बेटर, इट हेल्प्स अस टू एग्जीक्यूट आवर थॉट्स एंड एक्टिविटीज इन अ बेटर वे. तो इट इज क्रिएटिव, इट इज मोर यू नो बेनिफिशियल फॉर अस. तो द अदर वन इज डिस्ट्रेस, विच इज लाइक कॉसेस टोटल डिजेक्शन, पेन, सफरिंग, जो हमको नीचे खींच लेता है, तो हम उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. तो दैट इज डिस्ट्रेस. तो यू स्ट्रेस हमको अच्छा करने के लिए उत्साह देता है, और डिस्ट्रेस हमको नीचे की तरफ दबा देता है. तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, मॉडिफाई द अप्रोच एंड मेक ऑल दीज गेट इनटू द स्टेट ऑफ बैलेंस. एंड हमारे बॉडी के रिस्पॉन्स, रिएक्शंस, ये ऐसा होता है कि दो तरह की है. हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का दो ब्रांचेस है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो जो होता है, दैट हेल्प्स अस टू लिव अप टू दैट स्ट्रेस, यू नो, लाइक वी हैव टू बी अलर्ट एंड मीट अप विद दैट सिचुएशन. जैसे कि हम बोलते हैं कि फाइट और फ्लाइट, ए मोड पे हमारे स्ट्रेस का रिस्पॉन्स होता है व्हेन वी आर सिंपैथेटिकली ओवर ड्रिवन. से फॉर एग्जांपल, अभी एक शेर आ जाता है, तो आइदर हम उसमें से भाग भाग सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, अभी उसके साथ, शेर के साथ हम फाइट करेंगे. सो ये दोनों कर सकते हैं विद द सिंपैथेटिक एक्टिविटी. और तीसरा भी है, वो क्या है कि फ्रीज हो जाते हैं, जैसे नीचे लेट के हम मरे हुए जैसे एक्ट करेंगे. तो
तो फ्रीज, कंप्लीटली फ्रीज, एंड शेर हमारे पास आएगा और देखेगा ये तो बिल्कुल यूज नहीं है तो चला जाएगा। तो ए तीन होता है सिंपथेटिक ओवरड्रिवन एक्टिविटीज हो। वो जो दूसरा ब्रांच है पैरासिंपथेटिक, वो तो हमारे रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स उसको बढ़ा देता है। तो व्हाट इज रिलैक्सेशन? दैट हेल्प्स अस टू हील, दैट हेल्प्स अस टू बिल्ड अप। सिंपथेटिक में कैटाबॉलिक होता है, ब्रेक डाउन होता है, बट पैरासिंपथेटिक में बिल्डअप होता है, एनाबॉलिक होता है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस एंड दीज आर द टू मेन ब्रांचेस बिकॉज ऑफ विच द स्ट्रेस आइदर गेट्स मोर और लेस। एंड फियर एंड एंग्जाइटी, दीज आर टू फैक्टर्स विच टोटली यू नो स्ट्रेसेस अस मोर। वो भी स्ट्रेस रेस्पॉन्स दो टाइप के होते हैं। तो वन इज लाइक इट इज रियली हियर, फिजिकली प्रेजेंट। से फॉर एग्जाम्पल, एक शेर अभी ये सच्ची में यहाँ पे है। दैट इज लाइक अभी हमको फ्रॉम देयर इट इज ट्राइंग टू अटैक मी। सो दैट इज वन सिचुएशन वेयर यू हैव टू लिव अप टू इट एंड इट इज नाउ प्रेजेंट। सो यू हैव टू एस्केप फ्रॉम दैट एंड थिंक अबाउट हाउ टू मूव आउट। सो दैट इज वन टाइप ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स। द अदर वन इज जो मन में होता है, वॉट इफ अ टाइगर कम्स हियर। अभी सच्ची में शेर यहाँ पे नहीं है, बट हमारे मन में जो विचार है उसमें हम सोच रहे हैं कि एक शेर है, अभी आएगा तो हम क्या करेंगे, कहाँ पे भागेंगे, ऐसा की स्ट्रेस होता है। तो दो तरह की है अगेन। वन इज लाइक रियल सिचुएशनल स्ट्रेस एंड द अदर वन जो मन में पैदा होता है ऑफ नथिंग। देयर इज नथिंग बट वी फैब्रिकेट द थॉट्स एंड वी थिंक अबाउट इट एज समथिंग विच इज नॉट एग्जिस्टेंट। तो दैट अगेन वी हैव टू चेंज द परसेप्शन। तो व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर थॉट? योर नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम गेट्स अफेक्टेड एंड दैट पासिस ऑन टू द एंडोक्राइन सिस्टम। सो यू हैव एन एरे ऑफ ऑल दीज केमिकल्स, हार्मोन्स रिलीज इन टू द ब्लड स्ट्रीम टू मीट अप द सिचुएशन। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टीरोन्स, ऑल दीज एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, ऑल दीज स्ट्रेस हार्मोन्स आर रिलीज्ड। सो अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट हमारा बीपी बढ़ जाता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारा शुगर लेवल्स बॉडी में बढ़ेगा, क्योंकि हम वो सिचुएशन को अभी मीट करना चाहिए, फाइट करना चाहिए। बट इफ वी आर ओवर स्ट्रेच्ड इन दैट, दैट इज व्हेन इट कॉसेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो आफ्टर दैट यू नो द स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज ओवर, वी हैव टू गेट बैक। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव टू विदड्रॉ नेगेटिव फीडबैक एंड देन सेइंग दैट ऑल दीज हार्मोन्स वी डोंट नीड नाउ, तो यू कैन रिट्रेस एंड देन काम डाउन, द पैरासिंपथेटिक एक्टिविटी टेक्स ओवर। बट जो हमारे अभी का लाइफस्टाइल है, तो उसमें क्या होता है कि क्रॉनिक स्ट्रेस, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, समथिंग और द अदर कीप्स ऑन हैपनिंग। तो हम क्या हो जाता है कि वो हार्मोन्स ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ऑल दीज केमिकल्स आर इन द ब्लड स्ट्रीम गेटिंग रिलीज, गेटिंग रिलीज, एंड यू आर नेवर लेट टू रिलैक्स। तो क्या होता है कि हम ऐसे खींच के एक टोटली टाइट रहते हैं हर समय। दैट इज द प्रॉब्लम नाउ। सो वी हैव टू लेट गो ऑफ ऑल दीज एंड गेट बैक टू दैट स्टेट ऑफ नॉर्मलसी। दैट इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेन ऑल दीज स्ट्रेच्ड आउट सिचुएशन हैपेंस, इट टोटली अफेक्ट्स एंड ब्रिंग्स डाउन द इम्यूनिटी। वी कॉल इट एज द साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, वेर द इम्यून फंक्शंस टोटली गोज डाउन। बहुत वीक हो जाते हैं हम बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक स्ट्रेस सिचुएशंस। तो उसमें से हम योग के मार्ग में से कैसे निकलेंगे? तो हमारे मन है, मन में कंट्रोल होना चाहिए। मन में थोड़ा सा हम खींच के ला सकते हैं कि अभी हम नेगेटिव थिंक कर रहे हैं, अभी पॉजिटिव थिंक करना चाहिए। हाँ, अभी ये सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। वो जो हमारे मन के अंदर जो डाउट्स होता है उसको तो निकलना चाहिए। नेगेटिव मत सोचिए, फियर नहीं चाहिए। तो हाउ टू ओवरकम दैट, हाउ टू फेस दैट इज व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट। एंड विद दैट माइंडसेट,
if we are approaching, so automatically what happens? The stressor is there, but your perception of the stressor is changed now, because you think of it as something that could be dealt with, that we could find a solution. So that totally changes and the parasympathetic activation brings in. Iske upar jo hamare yogic techniques hai, for example, breathing, deep breathing, breathing in, breathing out, where we are focusing all the practices that we do mindfully. So wo kya karta hai, hamare mind ko calm karta hai, stable karta hai. Emotions are stable, mind is calm. So automatically the problem is, the perception of the problem is like easy for us. We don't perceive it as something a mountain ke tarah, meru ke tarah hum dekhte nahi usko problem ko. To ek chota sa molehill jaisa dekhte hain. To molehill we can easily deal with. And what does yoga techniques do? It activates the relaxation response from within us and reduces the stress response, bringing in that state of autonomic balance and helps us to cope with the stressors jo bahar se, jo andar se. Bahar se stressors aata hai, jo hamare vichar se, hamare andar se kai stressors aata hai. To dono ko balance karke hamare sense of well-being ko bada deta hai, hum jo yoga mein karte hain. Kaise? Because we lay a lot of emphasis on a healthy lifestyle. Achar, what are we thinking? Right thoughts, proper healthy thoughts. And vichar, what is it? Our activity, sorry. Achar is the activity, vichar is our thoughts. So achar, vichar, ahar, what are we eating? We eat healthy food. Satvik ahar jo bolte hain. And achar, vichar, ahar, vihar. What is our recreational activity? Are we relaxing really? Are we letting go and able to relax our body, our mind, our emotions completely? Or what is our relaxation technique that we follow? Are we sitting in front of the TV and watching the TV? Is that relaxation for us? Hum jo hum sochte hain ki wo relaxation hai, pair upar rakhe sofa mein baith ke hum TV dekh rahe hain, that is what we think as relaxation. But we respond emotionally, we react to what is happening on the screen. Is that proper relaxation? No. So we have to get over that. And the other one is vyavahar. How do we relate to others around us? How can we build our relationships? And stress ke expansion jo hota hai. One is stand back. S. Step back. Stand back. So just move away from that situation. And take a deep breath, T, S-T-T, take a deep breath in that situation. And R, S-T-R, relax, let go. And E, S-T-R-E, E-exercise. Wo jo movements hum karte hain, wo jo simple, you know, rotations or ye twistings, wo jo simple movements hum karte hain, to wo stress ko kam karne ke liye definitely help karta hai. And S-T-R-E, yes, that is sleep. You can relax while you are sleeping, and we can recharge our batteries when we are sleeping, connect with that source when we are sleeping. So that is very important to recharge. Jaise ki hum hamare cell phones ko battery mein connection karke charge kar lete hain. That is important to charge the cell phone. But hamara jo andar hai, usko charge karne ke liye, we have to connect to our source, the universe, the universal, the infinite. So, usme charge karne ke liye, we have to let go, relax, sleep, all these. And the last yes is for speak. Where, you know, like where we are confident, where we can speak out, where whom you can look up to, your mentors, your guides, jo bhi hai hamare well-wishers, unke saath baith ke isko discuss kar lijiye, open kar lijiye, andar jo hum store karte hain usko bahar nikal lijiye. That is very, very important for us. So S T R E S S,
So stand back, take a deep breath, relax, exercise and sleep and speak. तो ये होता है स्ट्रेस का सिंपल थिंग्स. ओके, सो लेट अस जस्ट विद द फ्यू बेसिक फैक्टर्स दैट वी हैव थॉट अबाउट इन द अंडरस्टूड अबाउट द थ्योरी बिहाइंड व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ टू एलिविएट इट. वी हैव टू स्टार्ट डूइंग इट ऑल्सो बिकॉज योगा इज एन एक्सपीरियंशियल साइंस. वी गेट द बेनिफिट्स ओनली वेन वी डू दोज प्रैक्टिसेस. We have to be in the state of yoga and not just listen to it. So are you all ready to start a few practices along with me? I have to keep adjusting the screen, so please bear with me. So a few things from the standing, जैसे कि हम warm up कहते हैं, jatis और kriyas बोलते हैं, तो वो क्या होता है? Let us just start with a few jogging, on the spot. Jog कर लीजिए. जस्ट एक मिनट के लिए जॉग. यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. एंड जस्ट टेक योर लेग्स टू द साइड्स, रिलैक्स, एंजॉय द मूवमेंट्स, बिकॉज मूवमेंट्स हेल्प टू रिलीज द स्ट्रेस. एंजॉय. ओके, इफ यू वॉन्ट टू डू इट मोर फोर्सफुली, वॉट यू कुड डू इज लाइक द जम्पिंग जैक्स. यू कुड डू दिस जम्प. ओके, so these are a few things where you can just get started and then shake, throw, shake, throw, and let's do a little bit of the hip rotation. All these movements help to loosen the tight joints. तो क्या होता है कि stress में से हमारे body के सब joints, सब muscles tight हो जाता है. तो ये टाइटनेस को हम लूजन अप करना है, फ्लेक्सिबल करना है बिफोर वी स्टार्ट विद द योगा प्रैक्टिसेस. दैट इज व्हाई वी ऑलवेज डू द वार्म अप प्रैक्टिसेस, द जतीज एंड द क्रियास बिफोर वी स्टार्ट द आसना प्रैक्टिस. ओके, एंड नाउ जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ द स्ट्रेचिंग. सो व्हेन वी आर मूविंग आउट वी हैव टू डू इट अलोंग विद द ब्रेथ. तो व्हाट एवर मूवमेंट्स वी आर डूइंग दे हैव टू बी सिंक्रोनाइज्ड. हमारे श्वास के साथ हमारे बॉडी मूवमेंट होना चाहिए बिकॉज दीज टू आर गोइंग टू कनेक्ट द बॉडी एंड द माइंड टुगेदर. हमारे ब्रीथिंग, हमारे सांस जो लेते हैं, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू कनेक्ट हमारे बॉडी और हमारे माइंड को. इट इज गोइंग टू ब्रिज एंड टोटली ब्रिंग देम टुगेदर. स्ट्रेस क्या करता है? हमारे बॉडी माइंड को अलग अलग दिशाओं में जाने को बोलता है. इट इज लाइक डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी एंड माइंड. तो टू ब्रिंग दैट इंटीग्रेशन हमारे सांस के हिसाब से ही हम ये इसको साथ ला सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं. तो वॉट एवर बॉडी मूवमेंट वी आर डूइंग वी हैव टू डू इट अलॉन्ग विद द ब्रेथ. तो इफ यू आर रेडी, स्ट्रेच, कीपिंग योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर शोल्डर्स. तो एज यू ब्रीद इन स्लोली स्टार्ट स्ट्रेचिंग आउट as much as you can. As you breathe out, back to the center. Breathing in. ये हमारे रिब केज है, चेस्ट केज है, उस सब के लिए ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है. हमारे जो रेस्पिरेटरी मसल्स होता है, जो लंग्स को हेल्प करता है, वाइटल कैपेसिटी बढ़ा देता है, वो सब के लिए ये तो बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग होगा. एंड there's a healthy stretch created because of this into all our respiratory apparatus. So after the side stretching, let us stretch upwards. जैसे कि हम थाला थाला बोलते हैं, थालासना, थाडासना, जो भी है. नाम पे कुछ नहीं है, just the technique matters. And जो हम mindfully करते हैं matters. Okay, so hands by the side. As you breathe in, slowly stretch your hands and come up on your toes. Breathing out, gently come back. Breathing in. Out. Breathe in. And hold the position. 2, 3 with normal breathing. 4, 5, 6. Slowly release.
एंड एट ईज फॉर 1 मिनट, आईज क्लोज्ड, लेट योर ब्रीदिंग बी नॉर्मल, जस्ट रिलैक्स फॉर 1 मिनट. यस, ओके. तो द नेक्स्ट टेक्निक दैट वी वुड बी डूइंग इज टू लेट गो लाइक अ रैग डॉल. जो रैग डॉल होते हैं, जैसे कि हम कपड़े वॉश करते हैं और कैसे सुखाते हैं उसको, ऐसे डाल के एक लाइन पे. तो वो डालेंगे कैसा लगता है ऐसे. तो वी आर गोइंग टू बिकम द रैग डॉल एंड लेट गो ऑफ ऑल द स्ट्रेसेस विद द साउंड फ्रॉम द नेवल रीजन. हेल्प्स अस टू लेट गो विद द साउंड नादा. ओके, सो स्ट्रेचिंग योर फीट अपार्ट, ब्रीदिंग इन, गिव अ गुड स्ट्रेच एंड आउट. आई होप यू कैन सी मी, नहीं तो मैं ये इसको नीचे ला देती. Please bear with me. Technically, you know, we just try to do what best we can do. So, breathing in, give a good stretch. Breathing out. Ha! Leave your body loose. नीचे जब जाते हैं. Breathing in. Out. Ha! And just let your body hang loose. Feel that beautiful stretch in your back. And feel the blood in your face. Just enjoy the feeling. And slowly come up. Breathing in. Stretch up. And relax. Breathing in and breathing out for a moment. So let's do a few hand rotations. One, right hand forward, two, three, four, five, six, right hand backward, one, two, three, four, five, six, your left hand forward, one, two, three, four, five, six, left hand backward, two, three, four, five, six, okay, just a brisk stretch upwards, one, two, three, four, five, six, and piche ki tarah ek push. Ready? One, two, three, four, five, six. Interlock your fingers behind. Stretch open as much as you can comfortably. Interlock your fingers. Breathe in here and breathing out. Slowly stretch down. Breathe in, come up, breathe out, one more time, breathe in, come up, and release the fingers, and relax, letting go, again, just loose, leave your body loose, and just move side to side. You can fold your knees, fold it, just to relax. Pavna Mukta karenge abhi khade hoke. Ready? Breathing in, fold your right leg. Now, breathe in, fold your left. Up. Breathe in, right. Breathe in, left. Can somebody do that with both the legs now, standing me?
If you can do it, I would love to watch that. Huh? That will be really good. Okay. And now, what did I tell you? The stress is inside and that we are burdened by it. हम अंदर एक पेटी में डाल के लॉक करके रखते हैं ये सब को. तो उसको क्या करना चाहिए अभी? चाबी लेके उसको खोल के हमारे से बाहर निकलना है. तो कैसे करें उसको? स्टार्ट शेकिंग योर राइट हैंड. शेक योर राइट हैंड. लुक एट योर राइट हैंड. सो मच ऑफ एनर्जी देयर. जस्ट एनहांसिंग योर प्राणिक एनर्जी सर्कुलेशन विद दीज सिंपल मूवमेंट स्ट्रेच. एंड नाउ स्टार्ट शेकिंग योर लेफ्ट हैंड. शेक 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 शेक. फिंगर्स तो दिख नहीं पाना चाहिए. तो यू हैव टू डू इट सो फास्ट. नाउ विद बोथ योर हैंड्स शेक इट 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 शेक इट. पुट योर टंग आउट एंड डू. Shake it down, shake it up, shake it to your right side, to your left side. Now shake it all over, all over, all over, all over. Around, shake, 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 shake it under your feet, behind you. And now what we are going to do is catch hold of all the stress and we are going to throw it out of us with a whoosh. यहां से नेवल से ऐसा हम थ्रो आउट करेंगे. ओके. सो शेक 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 फास्ट. एंड नाउ होल्ड ऑल योर टेंशंस. होल्ड ऑल योर टेंशंस. होल्ड टाइट होल्ड टाइट होल्ड टाइट एंड थ्रो. थोड़ा और अभी चिपक रहा है हमारे अंदर है. ठीक है. तो उसको भी हम निकाल लेते हैं. टोटली फ्री हो जाते हैं. तो शेक 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 रैंडमली शेक जैसा कि आपको अच्छा लग रहा है. शेक इट ऑल अराउंड यू. शेक 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 एंड शेक शेक शेक. होल्ड ऑल योर टेंशन टाइट. Throw. Stand at ease. अच्छा सा दीर्घ श्वास लें अंदर. श्वास छोड़िए. Breathing in. Breathing out. Breathing in. Breathing out. Okay, so I'm going to sit down now. Again, I have to adjust. So please bear with me. I think थोड़ा और एडजस्ट करना चाहिए. I think now it's perfect. Okay, sorry about this, but thank you for bearing with me. तो अभी क्या करेंगे? हमारे पैर को just stretch and back, stretch and back, दोनों की तरफ out. Give a good thumb. Okay, and now all these, the stretching that we are doing actually help to stretch your mind. Because physical stretching जो होता है हमारे mind को more adaptable, more adjustable, more resilient करता है, which is very very important quality to face the stress. How are you coming out of the stress? We fall down. Yes, of course we do fall down. But how quick can you get back on your feet and how quick can you start walking? That is what is the quality of resilience, the rubbery quality of bouncing back. So how quickly can we bounce back into normalcy is what resilience is all about. So the stretching helps us to be more resilient psychologically, emotionally, and all those fears. Like all these are interconnected.
connected, and we know very well that what is happening in one aspect physically maybe is also affecting the others. It is like a whole connectivity. It is like a continuum. So what is happening in one is affecting the rest of the spheres of the human existence also. So by clearing out from one aspect, from one dimension, we can create that calmness around in the others also. So gross, physically, that is what we are doing with all these techniques. The cause is physical, but the effect that is happening, the benefit that is happening, is more to the mind and the emotions. So hum baddha kona kriya kar rahe hain abhi. Just move here, all the butterflies. Just move your, you know, like shake your knees. Achhe tarah, do it. Flap the wings like a butterfly. Huh? You can do this also along with that. Fly, fly up in the sky. A beautiful butterfly. Fly, fly high up in the sky. And this. And just hold it for one moment. Eyes closed. And just focus on your breathing, on the position you have adopted. You are a butterfly now. You're simulating the qualities of a butterfly. You're able to fly. You're able to go from a flower to the other flower, collecting all those, you know, honey. Just enjoy being a butterfly for one moment. Doesn't it feel good? Okay, so slowly stretch your legs out. Give a good thump if you want. And I wanted to do the technique called Mukha Bastrika. Okay, so sitting in Vajrasana. This is a technique which is normally followed in our tradition, the Rishi culture, Ashtanga Yoga Paramparya, where, you know, we follow this before doing any of the pranayama practices to cleanse the toxins, to release carbon dioxide so that the oxygenation could be, you know, like more, and it will help us also. So hands by the sides. What we'll do is, like, we'll inhale, and then as we go down, we'll throw out through the mouth. Mukha Bastrika. So one inhalation and multiple the throwing out, whooshing out. And we have done a study on this, and the reaction time with the special children and the normal children, we have found both the auditory and the visual reaction time coming low, getting low, which means that they are more alert, and the central nervous system, the neuronal processing, is enhanced with this technique. So releasing the carbon dioxide and cleansing the bloodstream also. So breathing in, out, stretch your neck, slowly come out, and then start breathing. It's like the birthing of a baby. Out. Stretch your neck, breathing in, slowly start breathing. Out one last time. And now just hold the Dharmika Asana, where your head is, nose is between the knees, head touching down. Normal breathing. And gently start moving, stretch your neck up, move away, and slowly start breathing in and relax. Okay, I just have to move something here.
So now we discussed about how, you know, like the parasympathetic and the sympathetic nervous system. So because of our stressful lifestyle, what is happening is that हमारे स्ट्रेस बढ़ जाता है, सिंपैथेटिक ओवरड्राइव होता है. तो फॉर दैट वी हैव टू ब्रिंग द स्ट्रेस लेवल्स डाउन विद द पैरासिंपैथेटिक एक्टिवेशन. सो चंद्र नाड़ी दैट इज गोइंग टू एनहांस द पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी. चंद्र इड नाड़ी द लेफ्ट साइड, व्हाट हैपेंस इज दैट इट क्रिएट्स अ ब्यूटिफुल सेंस ऑफ कामनेस एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सिंग इफेक्ट ऑन योर माइंड. Enabling, you know, the sympathetic overdrive to come down so that there is a balance again, autonomic balance. Whatever we are doing in yoga, it is to help normalize the activity, to bring back the body into the state of homeostasis, a state of balance. That is what samatvam, as Bhagavan Krishna says in Bhagavad Gita, samatvam yoga uchite. So all that we are aiming at through the yoga is to bring that state of samatvam and balance. So sitting comfortably in whatever posture you want to sit, padmasana, ardha padmasana, vajrasana, jo bhi aapko accha lage usme baithiye. Sitting very comfortably. And just sit quiet for one moment. Start focusing on your breathing, breathing in and breathing out. Focusing on the prana, prana shakti, that is helping us to be alive, helping us to execute our thoughts. We need prana for everything. We can achieve that only by the mindful practices. Okay. Chin mudra in one hand, Nasarga mudra in the other hand. Let's do the Chandra Nadi Pranayama. It is exclusive left nostril breathing. So we will be closing the right nostril. हमारे राइट साइड को क्लोज करके, हमारे राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके ओनली लेफ्ट साइड पे हम सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे. राइट को क्लोज करके थंब के साथ. आर यू रेडी? टेक अ डीप, जस्ट ब्रीद आउट नाउ एंड नाउ स्टार्ट ब्रीदिंग इन. क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल, ब्रीद इन थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल. टू थ्री 4, 5, 6, out, 2, 3, 4, 5, 6. Breathe in, 2, 3, 4, 5, 6, out, 2, 3, 4, 5, 6, in, 2, 3, 4, 5. 6, out, 2, 3, 4, 5, 6, breathe in, 2, 3, 4, 5, 6, out, 2, 3, 4, 5, 6, in, 2, 3, 4, 5, 6, out, 2, 3, 4, 5, 6. Release your mudra and sit quiet for a moment. Eyes closed, enjoying the feeling of complete relaxation. Chandra Nadi activated, helping release all those stresses and tensions. We did 6 rounds of the practice now. If you want, you can stretch your legs out, give a good thump, and following this, we will be doing practicing the Bhramari Pranayama. Bhramari, as you all know, Brahma is like the bee.
हाँ, बी के तरह हम अनुस्वरा बोलते हैं, तो उसको हम करेंगे, तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल रेसोनेटिंग वाइब्रेटिंग इफेक्ट इनसाइड द ब्रेन सेल्स, कामिंग डाउन एंड यू नो रिलैक्सिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन, रीजेनरेटिंग रेजुवेनेटिंग फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली ऑल्सो, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ रिलैक्सेशन, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कामनेस विद इन. एंड देर आर स्टडीज विच सेस भ्रामरी प्राणायाम हेल्प्स एनहेंस्ड प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड हैज सो मेनी बेनिफिट्स, लाइक पीपल हु आर अंडर यू नो इंसोमनिया विद लॉट ऑफ स्ट्रेस, नाइट्रिक ऑक्साइड हेल्प्स रिलीज ऑफ दी स्लीप फील गुड हार्मोन्स मेलेटोनिन, विच एडजस्ट द सर्कैडियन रिदम इन द बॉडी, विच इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल, दैट इज वन. एंड इट इज ऑल्सो अ वैसो डाइलेटर, द ब्लड वेसल्स विच गेट्स रेस्ट्रिक्टेड और कंस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ द टेंशन, सो नाउ इट इज गोइंग टू रिलैक्स एंड हेल्प द ब्लड वेसल्स टू रियली गेट रिलैक्स एंड डाइलेट एक्सपैंड, सो अ फ्यू बेनिफिट्स जस्ट वन. ओके, सो नाउ वील बी टेकिंग अप द षण्मुखी मुद्रा विद द फिंगर्स, द थंब क्लोजिंग द ऑडिटरी कैनाल, जस्ट द एक्सटर्नल, नो प्रेसिंग, नो प्रेशर इज गिवेन, सो जस्ट दिस एंड द आईज आर यू नो द इंडेक्स फिंगर अबव एंड द अदर फिंगर बिलो द आईज, होल्ड इट लाइटली, डोंट प्रेस, एंड द रिंग फिंगर एंड द साइड्स ऑफ द नोज साइड पे, ऐसे क्लोज नहीं कर रहे हम, जस्ट साइड पे रखिए, टच करके रखिए, जस्ट इसको टच करना है, एंड द लिटिल फिंगर ऑन द माउथ. सो इट इज लाइक ऑल द सेंसेस जो हमारे ज्ञान इंद्रिया होते हैं, श्रोत्र चक्षु घ्राण जिह्वा एंड त्वक, द सेंस ऑर्गन्स, दीज आर ब्रॉट इनटू सेंसरी अपैरेटस आर शट, सो दैट देयर इज अ कंपल्सरी शटिंग ऑफ द सेंसेस. वो जो सेंसेस में से हम परसीव करते हैं द थन मात्रास, इट इज ऑल नाउ शट कंपल्सरीली, टेकिंग यू इनवर्ड्स इनटू दैट जर्नी वेयर यू कैन एंजॉय ऑल दीज बेनिफिट्स एंड रिलैक्स, हेल्पिंग यू टू रिलैक्स. एज लॉन्ग एज वी आर इंटरैक्टिंग विद द सोसाइटी, आवर आईज एंड आवर इयर्स आर यू नो ऑल दीज सेंसेस आर मूविंग आउटवर्ड्स, ये जो हमको क्या करता है कि बाहर की तरफ खींच लेता है और स्ट्रेस को बढ़ा देता है. तो अब जब हम हमारे अंदर जाते हैं, हमारे अंदर के जर्नी में जाते हैं, तो यू कैन रिलैक्स, यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड देन काम डाउन. सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ प्रत्याहारा, यू कैन जस्ट गो विद इन एंड नर्चर योर सेल्फ विथ दिस ब्रेथ द प्राणा, क्लोजिंग योर ऑडिटरी जस्ट द आउटसाइड एंड द आईज द नोज. So we will inhale inside, and as we are exhaling, we'll come out with the Makara Nadha. So take a deep breath in. Then breathe in. We can do more of this, but for now, I'm just stopping with three rounds. Eyes closed, just hold the Dhyana Mudra in your hands.
And all these practices should be done while sitting erect, as erect and straight as possible, not like this, slouching forward. Just try to sit, head held high, chin up, taking your mind inward. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Staying quiet for one more moment. So one more breathing technique and then we will go down for relaxation. It's not a breathing technique actually, it is an energy activating technique. So as you breathe up, we'll take the hands up into the Anjali Mudra. And then as we are breathing out, we'll come out with the Omkara Nada, the Pranava Nada. And then slowly bring the hands down while chanting the Pranava. Om. Then open up, breathing in, stretch up, and then Om. So let's do 3 rounds of this. So any practice of pranayama, minimum of 9 rounds is always good if we can practice 9 rounds. So take some time and practice 9 rounds. But now because I'm just showing you and because of the lack of time, I'm just doing 3 rounds as a sample, as a teaser. Okay. So hands by the side, breathe in, whoa. Breathe in. So breathing in, we adopted the Anjali Mudra and then we came down into Kailash Mudra, energizing the whole of this region, and then the Agnya, the Vishuddha, the Anahata, and further activating the lower centers also. So energizing all the energy centers with the Omkara Nada, the Pranava Nada, enhancing the pranic circulation. Just sitting quiet for a moment and release your legs, stretch out, slowly going out into the Shavasana position. To further enhance the relaxation, so in our tradition, we keep it up, make it a point to keep the circuit of connectivity on. So क्या करते हैं कि हमारे heels को एक साथ लाना है and not separate them. If you can see, you have to keep your heels together like this, making a V when you are doing the Shavasana and not separate.
separate them. So I will be giving this practice from sitting down, so that you know, like I can see you all. Through this, I'm seeing you all. I'm interacting with you all. Okay, and you can do it from Shavasana. So in Shavasana, hands by the side, the palms facing upwards. Just quietly sitting, quiet. I'm sorry, lying down, quiet. Focus on your breath. We'll do a few rounds of the Savitri Pranayama before going into the Marmanasthanam Kriya, which is like a relaxation technique done very mindfully. So breathing in, breathing out, calm down your breath, is it into the normal rhythm? So breathe out. Now we'll start breathing in into the Savitri Pranayama rhythm. Savitri helps to rejuvenate, helps to bring back the life within us. Savitu, sun, that's a form of Savitri. And Savitri is the one who brought back her husband's life from fighting with Yama, lord of death, Satyavan. So that is very important. That is why this name Savitri Pranayama has been given to this breathing, you know, the pattern in which we are breathing. So we'll inhale, like the ratio goes like 2 is to 1 is to 2 is to 1. So breathing in 6 counts, hold 3 counts, breathing out 6 counts and hold 3 counts. So that is the pattern in which we'll be breathing the Savitri Pranayama from Shavasana. So breathe out, start breathing in 2, 3, 4, 5. 6, hold, 2, 3, out, 2, 3, 4, 5, 6, hold, 2, 3, breathe in, 2, 3, 4, 5, 6, hold, 2, 3, out, 2, 3, 4, 5, 6, hold, 2, 3, in, 2, 3, 4, 5, 6, hold, 2, 3, 4, out, 2, 3, 4, 5, 6, hold, 2. You can continue breathing in the same rhythm and slowly start focusing on the whole of your body. Are you holding any part tight? Just let go and relax completely. The toes, the arch of the foot, the heels and the ankles. Relax, consciously focusing on the knees, the calf muscles. Breathe in, breathe out. Relax completely. Focusing on your thighs. Let go of all the tensions. Relax your thighs. Focus on both your legs now, completely relaxed. All the tensions out. Both your legs are fully relaxed.
start focusing on your pelvic region. Relax your pelvis. Relax your stomach and abdomen. Relax your chest cage. Are you holding any tightness within? Let go. Just let it go. Release it out. Don't hold to it. Start focusing on your back, the whole of your spine, the spinal, paraspinal muscles. Let go and relax completely. Start focusing on your fingers, your hands, the forearm, the upper arm. Breathing in, breathing out. Relax your shoulders now. Relax your neck. Relax the features in your face. Your chin, your cheeks, your lips, your nose, the eyebrows and the forehead. Relax the back of the head touching the ground. Relax the top of the head. Relax completely and focus on the point in your eyebrows, the Bhrumadhya. Enjoying the relaxation completely. Breathe in, breathe out. Relax completely. And slowly start focusing, bringing back the awareness from your head, the face, the neck, the shoulders and the hands, the back, the chest cage, stomach and abdomen, the pelvis, and the whole of your legs, your thighs, calf muscles, knees, heels, the arch of the feet and your toes. You're there completely aware of yourself but fully relaxed. Relaxation is the time that healing can happen, and the conscious relaxation where you're aware and you're relaxing actually helps you to connect to the source, to that universal being. We are one and the same. What is there in the cosmos is within us, and what is in us is there in the expanse of the cosmos. So the connectivity happens when we can relax, and the healing within happens when we can relax. So let go completely and relax. And now slowly start moving your fingers, your legs. Gentle movements, moving your toes, moving your feet around, and rolling your neck side to side gently. Now fold your knees and just move them side to side. And from Shavasana, what you could do is now, as you breathe in, take your hands above the head, give a good stretch and stretch and relax.
At the peak of the tension, we will relax. So again, now take a deep breath in and give a good stretch, holding your body tight, 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 and relax. Turn to the left side, signaling the body to gently come out into activity. And go face down into Makarasana. Push up into Bhujangasana. Up into Chatushpada. And slowly go down, stretching yourself into the Sashangasana. And slowly commence it up, eyes closed. Making yourself comfortable, whatever sitting position you want, Vajrasana, Sukhasana, just make yourself comfortable. We'll finish up with the prana, universal mantra, Shanti mantra. Sukhino bhavantu sarve janaha sukhino bhavantu om shantihi 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 Rub your palms, just feel that warmth, feel that friction. Just rub them, and then now take your palms over your eyes. Just relish the warmth, relaxing your eyes and the areas around, down on your face and your neck. And gently start opening your eyes, coming back into the reality. So slowly, whatever we did today, a few practices to alleviate the stress, because we know stress is something that we hold tight to. The stress is not holding us. We are holding tight to the stress. So let go, be free. Just throw it out and relax and be free and be relaxed. And all of you, enjoy life, because this is one lifetime we have to live, really, and stay healthy, stay safe. And thank you so much for this beautiful opportunity. We'll see you all again in some other way, in some other medium. Thank you. Namaste.